स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में दिया हुआ भाषण आज भी लोकप्रिय है और हमारे समृद्ध संस्कृति के स्वामी विवेकानंद जी अपना एक एक पल जीवन का एक एक वक्त लोगों की सेवा में बिताते थे और उनको प्रेरित भी करते थे। आज हम इस महापुरुष के कुछ अनमोल विचार को जानेंगे, आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से सभी ओर से आ रही जल धाराएं समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य का चुना हुआ हर मार्ग, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। आप किसी की निंदा कभी ना करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, अगर नहीं बढ़ा सकते तो हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर चलने दीजिए। यदि धन दूसरों का भला करने में काम आता है तो इसका मूल्य बहुत है, अन्यथा यह मात्र बुराई का ढेर है और इससे जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिल जाए तो उतना ही बेहतर होता है। हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते रहे और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के निकट जितना हो सके लाने का प्रयास करते रहे। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, तुम तुच्छ प्राणी हो, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान को खोजने कभी कहीं भी चले जाए, लेकिन जब तक उसे अपने हृदय और अन्य जीवित प्राणियों में नहीं देख सकते तब तक हमारी खोज अधूरी है। हमेशा आपको अंदर से बाहर की ओर विकसित होने की जरूरत है। आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई भी आध्यात्मिक नहीं बना सकता, क्योंकि आपकी आत्मा से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं है। हमेशा स्वतंत्र होने का साहस कीजिए। जहाँ तक आपके विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का प्रयास कीजिए और अपने जीवन में उन सबको उतारने का साहस भी कीजिए। प्रेम विस्तारित है लेकिन स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम का सिद्धांत यही बताता है, जो व्यक्ति प्रेम करता है वह जीवन जीता है और जो स्वार्थी होते हैं वह भी जीकर भी मरे हुए के समान होते हैं। इसलिए प्रेम के लिए प्रेम कीजिए, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। यह वैसे ही कार्य करता है जैसे जीने का हम सांस लेते हैं। आपका सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चाई रखना। खुद पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।